हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर अरुण यादव और आप देख रहे हैं अद्भुत आयुर्वेद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के अनुसार हमें कितना खाना चाहिए, हमारा डाइट कितना होना चाहिए और कितना खाने से हमारा हेल्थ बना रहता है। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। पाचक अग्नि जो हमारे डाइजेस्टिव अग्नि होती है, उसे हम आयुर्वेद में पाचक अग्नि कहते हैं। पाचक अग्नि को बनाए रखने के लिए हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद में जो चरक संहिता है, उसमें कहा गया है कि हमें अपने पेट का चार भागों में बांट लेना चाहिए। एक भाग सॉलिड के लिए, दूसरा भाग सेमी सॉलिड के लिए, तीसरा भाग लिक्विड के लिए और जो चौथा भाग होता है वो गैस के लिए छोड़ देना चाहिए। जो डाइजेशन होता है, जो खाना पचता है, उस पचने के उपरांत हमारे जो शरीर में पेट में गैस बनती है, वो गैस के लिए हमारे पेट में जगह छोड़ देना चाहिए, जिससे कि आप हेल्दी रहें। और खाने से एक घंटा पहले पानी पीजिए और खाने के एक घंटा बाद पानी पीना चाहिए, उस बीच में नहीं खाना चाहिए और खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। आयुर्वेद में बोला गया है जो भी आप मूंगते हैं उसको चबा चबा के और ध्यान करके खाना चाहिए, जिससे कि आपकी डाइजेशन अच्छा हो, आपका खाना पूरी तरह से पच जाए। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।